ग्यारहवीं क्लास के सभी बच्चों का हम अपने आरसी पब्लिक में स्वागत करते हैं। और लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दूं कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, किसी कारण से आप छूट गए हैं जाने अनजाने में, तो आप विद्यालय से तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जो यूपी बोर्ड की तरफ से किया जाता है आप संपर्क कर लें, जिससे कि आपका ये वर्ष बेकार ना हो। तो आइए लेसन पढ़ने के लिए हम सामान्य हिंदी के विनय काव्य कविता में से सूरदास जी की इन पंक्तियों को लेते हैं। इसमें आपको ये पंक्तियां उतारनी है, उसके बाद संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पता है कि आप पहले किताब का नाम लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं, उसके बाद लेखक का नाम लिखते हैं। प्रसंग में वो चीजें लिखी जाती हैं जो उस कविता खंड में कही गई होती है, जिन पर चर्चा होती है। और भावार्थ में इन पंक्तियों का डिटेल में लिखा जाता है। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। इसमें बताया गया है कि एक बार एक पक्षी एक डाल पर बैठा हुआ था और उसे अपने जीवन की सुरक्षा दोनों तरफ से बड़ी ही दयनीय दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऊपर बाज मंडरा रहा था जो कभी भी उड़ते ही उसे गप कर लेता, और नीचे सांप था जो कभी भी कुछ नीचे एक शिकारी खड़ा हुआ था जो तीर लिए हुए था वो कभी भी मार सकता था। तो दोनों तरफ से उसका जीवन कष्टमय है। तो ये कक्षा 11 के बच्चों की ये कविता इस उद्देश्य से डाली गई है कि कभी आप अगर मुसीबत में हो तो अपने ईश्वर को, जिसे आप मानते हैं, उसे कभी ना भूलो। वो कभी ना कभी आपकी सेवा करने के लिए या हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाएगा। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि अब के राख लेहु भगवान के, हे प्रभु इस बार अब के तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मेरे जीवन की रक्षा कर लो। क्यों हौ अनाथ बैठो ड्रुम डरिया पारद साधे बान। पारद कहते हैं शिकारी के लिए, ड्रुम डरिया मानी पेड़ की डाल पर। मैं अनाथ होकर हे प्रभु मैं इस वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे जमीन पर शिकारी मेरे ऊपर बाण साधे हुए हैं। ताके डर में भाग्यो चाहत, उसके शिकारी के बाण की वजह से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस के ऊपर ढकियो सचान, सचान मानी बाज, ऊपर बाज ने मुझे कवर कर रखा है कि उड़ते ही मुझे गप कर लेगा। दोहूं भांत दुख भयो आनिए है, मुझे दोनों प्रकार का दुख है कि नीचे से अगर बैठा रहता हूं नीचे से शिकारी मारता है, और अगर उड़ता हूं जान बचाने के लिए शिकारी से बचने के लिए तो ऊपर बाज बैठा हुआ है। कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों की अब कौन रक्षा करेगा। सुमिरत ही अहि दस्यो पारद, जैसे ही उसने सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा तभी एक सांप महाप्रकट होता है और उस शिकारी के पांव में काट लेता है। कर छूटियो संधान, जो निशाना उसने बांध रखा था वो शिकारी के हाथ से बाण चल जाता है और किसके लगता है, जाके बाज के। सूरदास सर लगो सचा नहीं, और वो सर में लगता है जाके जो बाज मंडरा रहा था। तो देखिए ईश्वर की कृपा कैसी हुई कि एक ही बार में दोनों ही लोगों का खात्मा हो गया और जिसने सच्चे मन से पुकारा उसका बेड़ा पार हो गया। जय जय कृपाल धाम। इस प्रकार हम अपने जिन्होंने जिस ईश्वर ने हमारी सेवा की है, हमारे लिए हेल्प की है, उसका हम हमेशा जय जयकार करें। तो इन पंक्तियों का आप अर्थ लिखिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करते रहिए। थैंक यू।